जनहितेशी देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं अंजलि राजपूत। तस्वीर लुधियाना के दुगरी थाने के बाहरों सामने आ रही ने, जिथे कुछ लोगों के वलों हंगामा किया जाता है। इन्ना ही नहीं, इंसाफ की गुहार भी इन्हों लोगों के वलों लगाई जा रही है। जेडे व्यक्ति थाने के बाहर मौजूद ने, उन्होंने वलों ये कहा जा रहा है कि उन्होंने भैन की मौत हो गई है। तो उन्होंने जी भैन है, उन्होंने ही गुआढ़ियों के वलों ये कहा जा रहा है कि सहुरियों के वलों कुड़ी मौत दे घाट उतारिया गया। तो दुगरी थाने के बाहर वड्डा हंगामा होंदा, जिथे इस परिवार के वलों पुलिस वालों तो इंसाफ की गुहार लगाई जा रही। कहा जा रहा कि इस पूरे मामले को लेके तफतीश की जाए, जांच की जाए कि आखिर पूरा मामला की है, उन्होंने भैन की मौत किवें हुई है। तो दुगरी थाने के बाहर वड्डा हंगामा होंदा। तो यह भी तुहानू जरूर ही दस दिए कि जेड़े इल्जाम लगे ने कुड़ी दे सौरियां ते कि उन्हां दे वल्लों कुटमार कीती गई है, ते कुटमार करके व्योता नूं मार दिता गया। जेड़े उन्हां दे भरा थाने दे बाहर मौजूद ने, उन्हां दे वल्लों तमाम गल्लां जेड़ियां ने सांझियां कीतियां गईयां ने। ते यह भी दस्या गया कि उन्हां दी ही एक होर भैण है, जिस दे वल्लों दोपहर दे समय तो ही अपनी भैन नूं फोन लगाया जा रहा सी, पर फोन जेड़ा काफ़ी लंबे समय दे लई स्विच ऑफ जा रहा सी। रात हो चली सी पर फिर भी फोन जेड़ा ऑन नहीं होंदा। इस दे नाल ही उस तो बाद ओ अपनी भैन दी सस नूं फोन करदे ने, तां जिस तो बाद उन्हां दे वल्लों अपने बयान जेड़े ने लगातार बदले जांदे ने। पहले ओ कहंदे ने कि उन्हां दी भैन सुती पई है, थोड़े समय बाद क्या जांदा है कि ओ बीमार हो गई है। तां जिस तो बाद भैन दे गुआंढियां नाल जिस वेले गल होंदी तां उन्हां दे वल्लों इह क्या जांदा कि उन्हां दी भैन दी मौत हो चुकी है। हालांकि इस पूरी गल तो बाद जब अपने जीजे नूं फोन करदे ने तां उस वेले उन्हां दे वल्लों इह क्या जा रहा है कि ओ उन्हां दी भैन नूं लैके हस्पताल जा रहे ने, पर जिस वेले घर पहुंचदे ने तां देखदे ने कि उन्हां दी भैन दी मौत हो चुकी है, बिस्तरे ते उन्हां दी भैन पई हुई है। तां इह सारियां गल्लां जिहड़ियां ने इस भरा दे वल्लों रो रो के सांझियां कीतियां गईयां ने। परिवार दे इस वेले रो रो के काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है। पड़ोसियां दे वल्लों इह कहा जा रहा है कि जिहड़ी भैन है उसका कतल सहुरियां दे वल्लों किया गया। हालांकि इन तमाम गल्लां तो फिलहाल दे लई पर्दा नहीं उठा, पुलिस दे वल्लों फिलहाल दे लई इस मामले ते जांच की जानी है। तो जांच दे विच की कुछ सामने आएगा ये आने वाले समय दे विच ही पता लगेगा, पर फिलहाल दे लई वड्डे सवाल खड़े हो रहे ने कि आखिर इस कुड़ी की मौत किस तरीके दे नाल होई, की कारण रहे कि इस कुड़ी की मौत होई, कि वाकई ही इस कुड़ी दे वल्लों फाहा लगाया गया जां फिर सहुरियां दे वल्लों इस कुड़ी का कतल किया गया। वड्डे सवाल जेड़े ने इस वेले खड़े हो रहे ने। परिवार दुगरी थाने के बाहर पहुंचता है तो इंसाफ की गुहार लगांदा है, पर पुलिस दे वल्लों इस पूरे मामले च की कुछ कार्रवाई की जाएगी, तो इस पूरे मामले का सच की है ये आने वाले दिनों दे विच ही पता लगेगा। पर जेड़े कुड़ी दे भरा ने उन्हां दा की कुछ कहना है, एक बार तुसी भी जरूर सुनो। मैटर इदा भाजी, मेरी सिस्टर लगती है जिन्हें डैथ हुई है लास्ट टाइम, अपना ना कल 2 बजे से फोन ट्राई कर रहे हैं, मदर साची लगते हैं मेरे, जी मेरी भैन है इंद्रजीत कौर नाम है, जो सवेरे 2 बजे दोपहर 2 बजे से फोन कर रहे हैं। 2 बजे तो फोन स्विच ऑफ है, रेगूलर 2 बजे का ऑफ है, 4 बजे फोन किया, 6 बजे फोन किया, 8 बजे तक फोन ऑफ रहा। उस तो बाद 8:30 बजे हार के असी मदर को फोन किया, मतलब सस को फोन किया, सस को फोन करके पूछा कि हाँ भी कितने है साड़ी गुड़िया, भी फोन नहीं चक रहे, फोन नहीं मिल रहा, उन्होंने फोन स्विच ऑफ है, भी किधर गए हैं वो, भी उन्होंने गल करी जाए साड़ी। तो वो मदर कहते कि वो सुती पई है, भी वो सो रखी है, भी ताड़ी में असी गल करा दें असी, तो इन्हें दे विच फोन कट गया, तो अपना उन्होंने फोन 10 बजे उन्होंने का फोन 10 बजे असी फोन किया, 8 बजे ना फोन किया उन्होंने, तो वो कहन लगे कि ना भी ताड़ी गुड़िया सुती पी सी, तो उस तो बाद दोबारा फोन जिस टाइम असी किया चक्कर आ गए गिर गए, चक्कर खा के गिर गए, तो उस तो बाद दोबारा असी फिर 10 बजे फोन किया, पड़ोसी पड़ोसी ने सानू दस्या भी ताड़ी गुड़िया की तो डैथ हो गई है जी। आप क्या भी एक ही चीज़ है भी की होया, डैथ किमें होगी, कोई बीमार से क्या कोई ऐसी गलबात ही नहीं है भी हाँ भी डैथ हो जाए, एकदम तुम किसी बंद को कहो भी हाँ भी ताड़ी गुड़िया की तो डैथ हो गई है ना। तो आप फिर 10:30 बजे 11 बजे जिस टाइम उतो ही निकले रस्ते जाके मैं दोबारा फोन किया, फोन किया मैं उन्होंने इन्होंने भाई साहब करमजीत सिंह जो इन्होंने हसबेंड है, इन्होंने फोन किया, इन्होंने मैंने कहा कि भी इदा इदा करके किसी पड़ोसी ने चक्या भी उन्हें तो फांसी ले ली है, कह रहे भी फांसी ले ली उन्होंने, साढ़े हत्था पैर फूल गए कि हाँ भी फांसी ले ली है। उस तो बाद असी उन्होंने घर पहुंचे जाके देखा
ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਗੁੜੀਆ ਸਾਡੀ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਹੀ ਲਟਾ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜੋਸੀਆਂ ਕੋਲੇ ਪੜੋਸੀ ਉਦਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ ਪੜੋਸੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੋ ਕੇ ਪੜੋਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬੜੀ ਭੜੀ ਭਲੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਲਾ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਵਿਹਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਵਿਹਾਰ ਕੀ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ 10 ਕਿ ਵਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਬਾਊਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਐਂਡੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਦਾਂ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੜੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਪੜੋਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਹਲੇ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ ਬਾਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਕੀ ਮੈਟਰ ਹੈ ਮੈਟਰ ਇਦਾਂ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਫੋਨ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਦਰ ਸੱਚੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਇੰਦਰਜੀਤ